नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं छोटे बच्चे के लिए हाफ स्वेटर लाई हूँ। तो इसके लिए मैंने बॉर्डर में 58 फंदे डाले थे और 8 लाइन उल्टा उल्टा बुना था, जिससे 4 लाइनों की उल्टे फंदों की धारियाँ आ गई हैं। ये डिज़ाइन मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि इसे ये डिज़ाइन लेफ्ट हैंड साइड में जा रही है, तो इसे हम राइट हैंड साइड में टर्न कैसे करेंगे। तो बॉर्डर मैंने 10 नंबर की सिलाई से बनाया है और ऊपर का पोर्शन जो है वो 9 नंबर की सिलाई से। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और अब हम इस डिज़ाइन को राइट हैंड साइड में टर्न करेंगे। तो देखिए, 8 फंदे सफ़ेद रंग से यहाँ बुने हुए हैं और हमको डिज़ाइन इस तरफ टर्न करना है। तो यहाँ देखिए, काला वाला फंदा हमने मेन रखा है और पीला वाला फंदा जो है वो दोनों साइड से बढ़ता जा रहा है। तो अब इसमें क्या करेंगे, एक फंदा हम पीले रंग के ऊन से बुन लेंगे और फिर 8 फंदा काले रंग के ऊन से, 1, 2, 3, और बीच बीच में ऊन लपेटते जाएंगे, 4, 5, 6, 7 और 8, और फिर अब 2 फंदा। यहाँ देखिए, लाल वाला का आखिरी फंदा है तो ये, और इसके आगे वाला फंदा, 2 फंदा हम पीला बुन लेंगे, फिर 8 फंदा काला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और फिर 2 फंदा पीला। इन्हीं 10 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। 8 फंदा काला और 2 फंदा पीला। लास्ट में 7 फंदा बचेगा जिसे हम काला बुन लेंगे। सेकेंड रो और रॉन्ग साइड, अब हम 6 फंदा काला बुनेंगे, 4 वाला फंदा दोनों साइड से बढ़ना शुरू कर देगा, तो 2 से ये 4 हो जाएगा, तो 4 फंदा पीले रंग के उनसे, फिर 6 फंदा काले रंग के उनसे यानी प्राइमरी कलर से, 4 फंदा सेकेंडरी कलर से। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड रो में 2 से ये 3 फंदा पीला बुन लिया जाएगा और 6 फंदे से ये घट के काला वाला 4 फंदा हो जाएगा। सेकेंडरी कलर वाला फंदा हर लाइन में ऐसे 2-2 फंदा दोनों साइड से बढ़ता जा रहा है, 2 से 4 हुआ, अब ये 4 से 6 हो जाएगा। दोनों साइड से बढ़ते हुए अब ये 6 हो गया और रॉन्ग साइड से ये बढ़ते हुए 8 हो जाएगा।
कलर वाला फंदा दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ता जाएगा और प्राइमरी कलर वाला फंदा दोनों साइड से एक एक फंदा घटता चला जाएगा। सेकेंडरी कलर वाला फंदा 2 से बढ़ के 6 हो गया और ये 8 से बढ़ के घट के 4। इसी तरह हम पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में 4 फंदा प्राइमरी कलर से और लास्ट फंदा सेकेंडरी कलर से, और फोर्थ रो में अब फिर सेकेंडरी कलर वाला फंदा है दोनों साइड से बढ़ता जाएगा, तो ये 2 फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा और फिर 2 फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा, फिर यहाँ पे 6 फंदे से बढ़ के अब ये 8 हो जाएगा, तो 8 फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा। हमें 2 या 3 फंदे पे ऐसे लपेटते रहना चाहिए जिससे बच्चों के उंगली में फंसने का डर नहीं रहता है। 8 फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा और 2 फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा, इसी तरह पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में 4 फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा आएगा। देखिए फ्रेंड्स, 4 लाइन में ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब हमको इस साइड में, मतलब राइट हैंड साइड में डिज़ाइन को टर्न करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? अब यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, हमें डिज़ाइन को राइट हैंड साइड में टर्न करना है। तो देखिए, 4 फंदा सेकेंडरी कलर से आया है, फिर 2 फंदा प्राइमरी कलर से और 8 फंदा सेकेंडरी कलर से। तो अब क्या करेंगे, हम 5 फंदा प्राइमरी कलर से सीधा बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये प्राइमरी कलर का लास्ट फंदा है, तो इसे और सेकेंडरी कलर वाला पहला फंदा, इन 2 फंदों को हम सेकेंडरी कलर से सीधा बुन लेंगे। अब ये 8 फंदा प्राइमरी कलर से, सेकेंडरी कलर से जो सीधा आया था, तो उसमें का 7 फंदा और प्राइमरी कलर वाला 1 फंदा, इन 8ों फंदों को हम प्राइमरी कलर से सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इन 2 फंदों को, यानी प्राइमरी कलर वाला लास्ट फंदा और सेकेंडरी कलर वाला फर्स्ट फंदा, इन 2 फंदों को हम सेकेंडरी कलर से सीधा बुन लेंगे। तो देखिए, अब डिज़ाइन इस तरफ राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ने लगा है। हमें इसी पॉइंट पे ध्यान देने की ज़रूरत है, प्राइमरी कलर वाला लास्ट फंदा पिछले लाइन का, प्राइमरी कलर वाला लास्ट फंदा और सेकेंडरी कलर वाला फर्स्ट फंदा, इन 2 फंदों को हमें सेकेंडरी कलर से सीधा बुनना है। और देखिए, सेकेंडरी कलर से पहला फंदा बुन लिया गया है, तो 7 फंदे बचे हैं, तो 7 फंदा सेकेंडरी कलर वाला और प्राइमरी कलर वाला 1 फंदा, इन 8 फंदों को हमें प्राइमरी कलर से सीधा बुनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और प्राइमरी कलर वाला लास्ट फंदा, इसे सेकेंडरी कलर से सीधा और सेकेंडरी कलर वाला फर्स्ट फंदा, इन 2 फंदों को हमें सेकेंडरी कलर से सीधा बुनना है। तो इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर हमारा पैटर्न यही रहेगा, ये 2 फंदे साइड से एक एक फंदे और लेते जाएंगे और सेकेंडरी वाला फंदा 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8 हो जाएगा और प्राइमरी कलर वाला फंदा दोनों साइड से एक एक फंदा घटते हुए 8 से 6, 6 से 4 और 4 से 2 हो जाएगा।
तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा सेकेंडरी कलर वाला फंदा 2 से बढ़ के 8 हो गया है और प्राइमरी कलर वाला फंदा 8 से घट के 2। और फिर अब हमें राइट हैंड साइड में आगे बढ़ाना है। तो जैसा कि मैंने बताया, जब 2 फंदा प्राइमरी कलर से रह जा रहा है तो पहला फंदा हमारा प्राइमरी कलर से बुना जाएगा और लास्ट फंदा यानी दूसरा फंदा सेकेंडरी कलर से बुना जाएगा, और सेकेंडरी कलर वाला फर्स्ट फंदा सेकेंडरी कलर से। इससे हमारा जो है डिज़ाइन राइट हैंड साइड में आगे बढ़ेगा। अब पहला फंदा सेकेंडरी कलर वाला बुना जा चुका है और 7 फंदे रह गए हैं, तो 7 फंदे प्राइमरी कलर से बुने जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो 7 फंदे सेकेंडरी कलर वाले प्राइमरी कलर से बुने जा चुके हैं और प्राइमरी कलर वाला फर्स्ट फंदा जो है वो प्राइमरी कलर से बुना जाएगा और लास्ट फंदा यानी दूसरा फंदा सेकेंडरी कलर से और सेकेंडरी कलर का पहला फंदा सेकेंडरी कलर से। देखिए, और डिज़ाइन दाहिनी ओर बढ़ती चली जाएगी। 8 फंदों में से ये पहला फंदा सेकेंडरी कलर वाला बुना जा चुका है और ये 2 फंदों में पहला फंदा प्राइमरी कलर का लास्ट फंदा है, दूसरा फंदा सेकेंडरी कलर का पहला फंदा। तो 7 फंदे बचे हैं, तो 7 फंदे जो हैं वो सेकेंडरी कलर 7 फंदे जो हैं वो प्राइमरी कलर से बुन लिए जाएंगे। 3, 4, 5, 6 और ये 7। और हमको 8 फंदा रखना है, तो प्राइमरी कलर वाला पहला फंदा भी इसके साथ ही बुन लिया जाएगा। तो ये 8 फंदा प्राइमरी कलर से हो गया, 2 फंदा सेकेंडरी कलर से। अब ये 2 फंदे जो हैं वो सेकेंडरी कलर से बुने जाएंगे, तो 2 फंदा सेकेंडरी कलर से और फिर 8 फंदे प्राइमरी कलर से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और फिर 2 फंदा सेकेंडरी कलर से। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और फिर हमारा पैटर्न वही रहेगा, सेकेंडरी कलर वाले फंदे के अगल बगल वाले दोनों साइड वाले फंदे एक एक ले लिए जाएंगे। 2 से 4 फंदा हो जाएगा, फिर 4 से 6, 6 से 8 और यहाँ प्राइमरी कलर वाले फंदे में दोनों साइड से एक एक फंदे घटते जाएंगे और 8 से 6, 6 से 4 और 4 से 2 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा ट्रायंगल बनता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपको समझ में आ गया होगा कि इसको लेफ्ट हैंड साइड में कैसे मोड़ेंगे और राइट हैंड साइड में कैसे मोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आप इसे अपने स्वेटर में अप्लाई कीजिए। देखिए, मैंने 4 कलर में इसे बनाया है। हर टर्न के बाद मैंने इसे में ऊन बदल दिया है, मैंने इसे बचे हुए ऊन का इस्तेमाल करते हुए बनाया है। तो आप चाहें तो इसे सिर्फ 2 कलर में ही बना सकते हैं, या फिर इसे हर टर्न के बाद 2 कलर, फिर जब तीसरी बार टर्न कराए तो फिर नेक्स्ट 2 कलर रह सकते हैं। इस तरह हर टर्न के साथ आप कलर बदलते जा सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि एक कलर जो है उसको आप फिक्स रखें और हर टर्न के साथ दूसरा वाला कलर चेंज करते जाएं। तो डिज़ाइन आपके सामने है, आप इसे कैसे भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसको अपने स्वेटर में अप्लाई कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।